हाय फ्रेंड्स, हेलो। आप लोग कैसे? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो अभी फ्रेश हुई हूँ और ब्लॉग बनाने के लिए चली आई हूँ, क्योंकि आज ट्यूशन भी जाना है, इसलिए मैं पहले ही उठ गई। क्योंकि अभी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक लग रहा है, तुम सोच रहे थे कि थोड़ा ट्यूशन चले जाए, क्योंकि 1 मंथ से हम ट्यूशन जा ही नहीं रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब चले जाते हैं ट्यूशन। तो एक ट्यूशन आज गए तो छुट्टी था, तो हम सोच रहे हैं कि अब दूसरा ट्यूशन जाए, तो दूसरा ट्यूशन तो पक्का खुला रहेगा, कि उस ट्यूशन में जल्दी छुट्टी मिलता ही कहाँ है। इसी वजह से तो हम ट्यूशन जाएंगे आज, और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज मैं जाऊंगी पढ़ने के लिए, उसके बाद आऊंगी 11 बजे, क्योंकि टाइम तो लगता ही है, 2 घंटा पढ़ाई होता है तो, और 1 ट्यूशन में बस 1 घंटा होता है, दूसरा वाला ट्यूशन में 2 घंटा पढ़ाई होता है, तो 2 ट्यूशन तो 3 घंटे पढ़ाई पढ़ती हूँ मैं ट्यूशन में। तो अभी मम्मी क्या कर रही है मैं बताऊंगी आप लोग को। अभी मम्मी तो खाना बना रही होगी, और मुझे आज सुबह सुबह खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि दवाई भी तो खाना है, और दवाई तो अभी 1 मंथ खाना है हमको, तो दवाई अभी मम्मी देगी और खाना भी साथ में देगी, तो मज़ा से हम खा के और ट्यूशन चले जाएंगे, और आप लोग को भी दिखाएंगे कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। और अभी मम्मी क्या कर रही है, जो मम्मी को आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी बोड़ा का सब्ज़ी बना रही है। ये देखिए आप, बोड़ा है ना। फ्रेंड्स, मैं भैया वाला रूम में आ गई हूँ अभी, और अभी पंखा लगा के मैं तो हवा खा रही हूँ, क्योंकि ऊपर गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो हम नीचे आ गए। और अभी दादी और पापा को चाय देना था, तो हम दादी पापा को चाय भी दे दिए, और नीचे आ गए तो हवा खा रहे हैं। और भैया अपना पावर शोर्स कर गए हैं मोबाइल वाला, भैया भी अपना क्लास गए हुए हैं अभी, और उनका उनका पंखा बंद था, तो हम अभी आके चालू कर लिए, क्योंकि हमको गर्मी लग रहा था इसी वजह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया का ट्यूशन में एक फ़ोटो मिला था, तो यही फ़ोटो है, यहाँ पे चिपका के रखे थे, क्योंकि मतलब जब भी सुबह उठते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं इसीलिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, दादी अपना आनंद बना रही, अपना काम कर रही हैं, और चाय जल्दी चलनी पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और दादी के मतलब रखे हुए हमारे लिए मिठाई ढेर सा, खाएंगे ट्यूशन से आएंगे तो, क्योंकि सुबह सुबह मीठा खाने में पसंद नहीं है हमको। तो आपको हम दिखा दिए कि दादी अपना काम कर रही हैं, और पंखा तो दादी वाला चालू है ही नहीं, तो पहले मैं चालू कर देती हूँ पंखा, ताकि दादी को गर्मी ना लगे। लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा है, लाइन कटा हुआ है शायद, क्या शायद फ्रेंड्स लाइन कट गया इन्वर्टर से, वो रूम में चल रहा है, ये रूम में कनेक्शन है ही नहीं, तो चलेगा कैसे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बस वो अपने काम पे सब लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे धूप है नहीं, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए नल भी आ गया है, पानी चल रहा है। अब डॉगी है, सुबह सुबह घूम रहा है, अच्छा है, सबको घूमना चाहिए सुबह सुबह। और सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं फ्रेंड्स, और जिसको ड्यूटी जाना है, जो ड्यूटी अपने काम पे जा रहे हैं, और पापा भी अपने काम पे जाएंगे, जब उनका टाइम होगा तब जाएंगे वो काम पे, क्योंकि अभी तो टाइम हुआ नहीं, अभी उनके ड्यूटी जाने का टाइम अभी 2 घंटे बाकी है, तो 2 घंटे बाद वो जाएंगे ड्यूटी, और हमारा तो ड्यूटी वो है पढ़ने वाला, तो हम तो जाएंगे ही पढ़ने। तो आप लोग को हम दिखा दी कि मम्मी क्या कर रही है और दादी सब क्या कर रहे हैं, मैं दिखा दी। और मेरा भाई तो अभी ट्यूशन स्कूल गया हुआ है, क्योंकि उसका स्कूल मॉर्निंग हो चुका है अभी, तो इसलिए अभी स्कूल गया है, वो आएगा 11:30 बजे और हम आएंगे 11 बजे, तो हम अपना टाइम पे तो जाएंगे ना, तो हम जाते हैं 9 बजे, तो 2 घंटे में तो हम चले आते हैं, उसको तो बहुत टाइम रहना पड़ता है स्कूल में, तो रहना तो पड़ेगा ही, पढ़ना है। तो अभी स्कूल गया हुआ है, जब वो आएगा तो फिर वो भी ब्लॉग बनाएगा, और मैं भी फ्री थी तो सोच ली बना लेती हूँ। और अब मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए, और जाती हूँ छत पे, छत का क्या हाल है देख लेती हूँ, कि बहुत दिन से गई नहीं हूँ ना इसी वजह से, तो मैं अब चलती हूँ छत पे, छत का क्या हाल है देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम छत पे आ गए हैं, और यहाँ पे तो बहुत धूप लग रहा है हमको, और यहाँ पे देखिए मतलब पूजा के दिन सब सोए थे, तो छत पे इन बिछावन छोड़ दिए, और ऊपर तो ठंडा ठंडा था, ऊपर से पता है फ्रेंड्स, कल परसों हाँ, तो बर्फ़ पड़ रहा था, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार देखी हूँ कि बर्फ़ पड़ रहा था, और पापा के सर पे इतना बड़ा बर्फ़ गिरा है, और
मैं तो देखी और नीचे जल्दी से चली गई थी, लेकिन मज़ा आया बर्फ़ देखकर मुझे, क्योंकि पहली बार बर्फ़ देखी हूँ मैं इसीलिए। और अब मैं फ्रेंड्स आपको हमको आप लोग को हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए चली जाऊँगी क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। और अब मम्मी खाना भी शायद बन चुका है मम्मी का, तो हमको खाना मिलेगा, फिर हम खाना खाएंगे और दवाई खाएंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। और फिर मैं आप लोग को पहले मिधर का नज़ारा दिखाते हैं, जल्दी आप लोग को दिखाते हैं, और आप लोग बस ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा, और यहाँ से नीचे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पानी भरा रहा है, अभी नल आया हुआ है ना, इसलिए पानी भर रहा है मम्मी। और इधर पता है फ्रेंड्स, इधर तो शादी था कुछ दिन पहले, तो उस दिन मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं गई नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं जाती हूँ मैं, कहीं नहीं जाती हूँ जल्दी में। और अभी हमारे मतलब परिवार में शादी है तो मैं जाऊंगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। और इधर आप लोग देखिए वो केला वाला पेड़ है जो कितना बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो उसमें केला है लेकिन कच्चा केला है, अभी पका है ही नहीं तो क्या होगा, पक जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।